गुड इवनिंग स्टूडेंट तो हमें एक्सरसाइज 4A रो 19 20 21 22 को कवर करिवा ए वीडियो रे ला तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करिवा तो देखो स्टूडेंट तो फर्स्ट 20 तळाड स्टार्ट करू छी स्टूडेंट फर्स्ट 22 करू छी ला हे तळाड 21 22 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अछि तेबडा खाली ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन अछि ला तो चलो तो फर्स्ट कोन को स्टूडेंट फाइंड एक्स वाई इक्वल 1 3 2 minus 1 x y is equal to 4 1 hala 4 1 hala to chalo student eko multiply kar diyo row into column hala to kon hob student 1 into x plus 3 into y which one student row ko tumhe nilo column sathe into column hala next 2 into x minus 1 into minus 1 into y is equal to 4 1 तो चलो स्टूडेंट इक्वेशन कौन बन छ x plus 3y अब बेटा 2x minus y is equal to केते स्टूडेंट 4 1 हैला इब हमको इक्वेशन फॉर्म में लिखबी x plus 3y is equal to 4 2x minus y is equal to 1 हैला एबे इतरा को साइमल्टेनियसली आराम से सॉल्व कर पाइयो स्टूडेंट तो कौन करे स्टूडेंट देखो स्टूडेंट माइनस अछि त मैं 3 इनटू कर दउ छी तो 3 इनटू कर दले कौन हे स्टूडेंट x plus 3y is equal to 4 ने केते स्टूडेंट 6x minus 3y is equal to 3 तो plus 3 minus 3 cancel तो 6x plus 3x x that is your 7x is equal to 7 तो x equal to 7 by 7 so that is your 1 तो x मिल गया तो को भी क्वेश्चन पुट कर दो y मिल जाएगा स्टूडेंट तो मैं ये क्वेश्चन पुट कर दूं x plus 3y is equal to 4 3y is equal to 4 minus x तो 4 minus x का तो स्टूडेंट 1 4 minus 1, so that is your 3. So 3y is equal to 3, y is equal to 3 by 3, so that is your 1. So y we get a middle student, 1 which one student, so both is your chip. So video pause kari note down kar diya. Next let's see student, number 22 complete. Ewa dekha student, 21 question ka, bahut hi interesting question ka, to dekha student, kaise kar raha, 21 question ka. फाइंड बी इफ बी स्क्वायर इक्वल टू दिस हैला तो हम केमती करबे बी इज इक्वल टू यार रूट ओवर तो मैट्रिक्स रो तो रूट ओवर पॉसिबल नै तो केमती करबे देखो स्टूडेंट हैला लेट बी इज इक्वल टू देखो स्टूडेंट ए डायगोनल एलिमेंट देखो स्टूडेंट ए मैट्रिक्स ऑफ बी यदि गो मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट कोन छ सेम अछि तो मु कोन कहली त डायगोनल एलिमेंट सेम रहली हैला एक्स वाई वाई एक्स व्हिच वन स्टूडेंट हैला सेम सब डायगोनल एलिमेंट सेम अछि तो डायगोनल एलिमेंट को सेम रहली हैला तो b इज इक्वल टू इटा लेले हला तो b स्क्वायर इक्वल टू दिस कोइ छी हला तो b स्क्वायर मींस कोन स्टूडेंट b स्क्वायर इज इक्वल टू कोन स्टूडेंट b इनटू b तो x y y x इनटू x y y x हला तो चलो स्टूडेंट एबे एको मल्टीप्लाई करबा तो केतो स्टूडेंट देखो रो इनटू कॉलम हला तो x इनटू x दैट इज योर x स्क्वायर x x into x तब y into y so that is your y square which one student याकु यस का बोलू अबे याकु यस है तो x into y तो x y y into x तो सीबी x y चलो अबे याकु धरा y into x तो सही x y plus x y लेकिन तो स्टूडेंट y square plus x square is equal to हमें लिख पड़े स्टूडेंट से क्या 2xy is equal to 8 which one student ebe edi jeko ame equation bole compare kar hala to chalo student ebe mu kon tike ye kuch dekho student edi kon kuch add equation 1 and 2 idu mu dile ko add kar dite to x square plus y square plus 2xy hala left left add hai jo right right add hai jo 17 plus 8 to eda kon hai student x plus y ro whole square is equal to 25 sorry student 25 to x plus y is equal to plus minus 5 which one student
तो कौन मिला मत x plus y is equal to plus minus 5 हला तो ये सिंपली माइनस करो हला सब्सट्रैक्ट करगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy is equal to 17 minus 8 तो x minus y रो होल स्क्वायर is equal to 9 x minus y is equal to plus minus 3 मिचोल फ्रेंड x minus y ये लगे थे plus minus 3 हो मैं प्लस थ्री बोली कॉन्स्ट्रेक्ट कर चले नोला नहीं है ना तो ताहले तो देखो फ्रेंड है ना तो ताहले मुझे तो हम को आउट इटा इक्वेशन मिल रहा है फ्रेंड देखा वन टू में चला हम कौन मिला एक्स प्लस वाई जो तुम टेकिंग पॉजिटिव साइन तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना मिला है ना थ्री तो वाई वाई कट गया तो टू एक्स इज इक्वल टू एट x is equal to 4 तो x के टाइम लास्ट पॉइंट होते 4 अब x और मिला 4 अब x और वैल्यू को भी इक्वेशन में पुट कर दियो है ना x plus y is equal to 5 तो y is equal to 5 minus x तो 5 minus 4 that is your 1 मुझे बोलो फ्रेंड तो y के टाइम मिला होते फ्रेंड 1 मुझे बोलो फ्रेंड तो हमें कोई करे कोई करे कांस्टेंट प्लस माइनस कोई करे टाइम फ्रेंड हमें प्लस कौन नहीं तो पॉजिटिव साइन पे नहीं तो नेगेटिव साइन पे ना हो तो माइनस 1 माइनस 4 ऐसे वाला तो प्लस 4 कि माइनस 4 जहां भी पड़े चलो है ना तो दैट मींस हमको x मिल गया y मिल गया तो दैट मींस हमारा आंसर कितना हो फ्रेंड फाइनल आंसर b इज इक्वल टू 4 1 1 4 विद फॉर फ्रेंड ये हमारा फाइनल आंसर और अभी तो माइनस को नोचो तो आंसर कितना है सो माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 विद फॉर फ्रेंड ये हमारा आंसर हो चला तो हमारा 21 नंबर कंप्लीट है तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर दियो तो देखो स्टूडेंट आवर नंबर दीटा नंबर रहला नंबर 19 नंबर 19 और नंबर 20 तो कौन पहुंचा छे देखो स्टूडेंट नंबर 19 रे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इफ मैट्रिक्स दिस इनटू बी इज इक्वल टू दिस हला तो कौन कर देखो लाइक ए इज इक्वल टू मैं ए मैट्रिक्स को ए ने गली आउटपुट जो आ सी सेटा सी निकले तो हमर इक्वेशन हिसाब से कौन लिख पर ए इनटू बी इज इक्वल टू सी ए बी इज इक्वल टू सी तो देखो स्टूडेंट दीटा मैट्रिक्स रो मल्टीप्लिकेशन रे आंसर के आसला सी हला एबे देखो स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ए रो ऑर्डर कौन स्टूडेंट 1 क्रॉस 3 सी रो ऑर्डर कौन स्टूडेंट 1 क्रॉस 5 ताले बी रो ऑर्डर कौन है स्टूडेंट देखो स्टूडेंट केते इजी तो जान के दिवार हमसे एबे दीटा मैट्रिक्स जेते मल्टीप्लाई हो हला रूल कौन पूछे दीटा मैट्रिक्स रे मल्टीप्लिकेशन रूल कौन पूछे फर्स्ट मैट्रिक्स रे नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स रे नंबर ऑफ रोस तो सेम थिबो एबे देखो स्टूडेंट एडी फर्स्ट ए रे मैट्रिक्स रे ऑर्डर केते 1 क्रॉस 3 आ सी रे केते 1 क्रॉस 5 तो दीटा कॉमन पार्ट ता जो काछ सेडा छाड़ दियो तो कौन पूछला 3 क्रॉस 5 तो 3 क्रॉस 5 हो तारा ऑर्डर का बिस्कर स्टूडेंट सिंपल केते कॉमन पार्ट ता छाड़ दो हैला चल नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम टाइप रे कोइछि फाइंड बी इफ this into this is equal to this तो इटा मु p वाली कंसीडर कर छु 4 1 3 आ आउटपुट ता को q वाली कंसीडर कर छु हला एबे देखो स्टूडेंट एबे कोन हिचि p into a हम इक्वेशन से p a is equal to q हिचि p a is equal to कोन हिचि q हिचि ताले ऑर्डर ऑफ ताले a रो मैट्रिक्स ऑर्डर कोन हितो हम इक्वेशन हिसाब से कोन हिचि p a is equal to q हिचि p a is equal to कोन हिचि स्टूडेंट q हिचि हला एबे और तहले ऑर्डर ऑफ ए केते हो स्टूडेंट ए रो ऑर्डर केते हो स्टूडेंट देखो वे सेम पार्ट को छाड़ दियो सेम पार्ट को छाड़ दियो छु यार फर्स्ट पार्ट को छाड़ दियो हला तो तहले कोन रोजे 1 + 3 तहले कोन हो स्टूडेंट मोर ऑर्डर ऑफ ए केते हो 1 + 3 मते एति मिल गेला ऑर्डर मिल गेला कोन 1 + 3 हला कुछ फॉर स्टूडेंट सेम पार्ट को छाड़ दियो यार तुम कोन गलि यार फर्स्ट पार्ट को छाड़ देली तो 3 + 5 को यार ऑर्डर यार भी सिंपली फर्स्ट पार्ट को छाड़ देली तो 1 + 3 होबो ऑर्डर हला कारण ए रो ऑर्डर हला तो मते ए रो ऑर्डर मिल गेला हला तो 1 + 3 तो मु ए टाइम गुड मैट्रिक्स ने ली p into a ए को ने ली ए मत जाना नहीं तो bc ने छि अब आउटपुट एति छि एबे को इनटू करो तो इनटू करले कोन हो स्टूडेंट 4a 4b 4c ना छ त रो इनटू कॉलम तो 4a 4b 4c एटा फर्स्ट रो या त या त या से तो लिखाय छि वे या को या से या त या त लिखाय छि तो सही हिसाब रे एबे कॉरेस्पोंडिंग एलिमेंट को कंपेयर करो 4a = -4 4a = -4 तो a = केते हो 4 4 कटेला दैट इज योर -1 4b = 8 4b = 8 तो b = 2 4c = 4 तो c = 1 तो मते मिल गेला कते a रो वैल्यू कते -1 2 1 बुझ पलो फ्रेंड तो ई टाइप रे हमर कांस्टेंट हमर नंबर 19 आउ 20 बुझ पलो फ्रेंड सो शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा
तो आई होप स्टूडेंट तुम क्वेश्चन गुड़ा आराम से बुझीज किसी प्रोब्लेम ना यदि किसी प्रोब्लेम होमको कमेंट करके भी तुम डाउट क्लियर कराई पार है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।